सो विंटर ऑल के अंदर हम यहाँ पे लेके आए हैं ज़ारा की दो जैकेट्स जो कि काफ़ी कमाल कर रही हैं और अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर चल रही हैं। दोनों का हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे, कैसी हैं जैकेट्स और विंटर में आपको कैसी लगेंगी और किस टाइप का लुक आपको देती हैं, क्या विंटर में आपके लिए पूरी तरह से काम करेंगी या नहीं। जिसके अंदर है हमारी पहली ज़ारा की वार्सिटी बॉम्बर जैकेट जो कि काफ़ी स्टाइलिश है और अभी ये लेटेस्ट जैकेट है वार्सिटी जैकेट जो ज़ारा ने अभी रिलीज़ करी है और इस जैकेट का हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे, कैसी है जैकेट, आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं, विंटर्स में आपको कैरी करने के लिए जैकेट सूटेबल है या नहीं, साथ साथ बात करेंगे कि लुक वाइज ये जैकेट कैसी है। दोस्तों सारा रिव्यू करेंगे इस जैकेट का हम इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस जैकेट के लिए जाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। वही दोस्तों सेकेंड जैकेट है वो है ज़ारा की फॉक्सडेड जैकेट जो कि काफ़ी अच्छी लेदरी लुक देती है आपको, और ये लेदर नहीं है बेसिकली, ये लेदर लुक देती है, इसका कलर लेदर लुक में है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगती है जब आप इसे कैरी करते हैं। तो बात करेंगे कि ये जैकेट कैसी है। अगर आपने ज़ारा की फॉक्सडेड जैकेट्स को देखा है तो वो भी काफ़ी कमाल की होती है, तो ये भी एक काफ़ी कमाल की जैकेट है विंटर्स के लिए। तो दोस्तों करेंगे इस जैकेट का रिव्यू भी इसी वीडियो के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कैसी है जैकेट तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। आप जानना चाहते हैं कैसी है दोनों जैकेट्स तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जहां पे आपको लाइफस्टाइल एंड क्लोथिंग से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमें अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर करें जहां पे आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं। सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन दोनों जैकेट्स के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं ज़ारा की बॉम्बर वार्सिटी जैकेट की। जो दोस्तों वार्सिटी जैकेट एक कॉलर वार्सिटी जैकेट है जो काफ़ी अच्छी लगती है जब आप इसे कैरी करते हैं जीन्स के साथ, आपको काफ़ी अच्छा लुक देती है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इसके फ्रंट की, तो इसमें आपको पैडेड मटेरियल देखने को मिल जाता है इसके फ्रंट में जो कि काफ़ी अच्छा वार्म देता है आपको। कलर की बात करें तो आपको इसमें वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो काफ़ी क्लासी लगता है और ये कॉम्बिनेशन कभी भी पुराना नहीं होता, इसको आप कभी भी कैरी कर सकते हैं। तो इस वजह से जैकेट काफ़ी ट्रेंडी लगती है, काफ़ी स्टाइलिश लगती है। इसके साथ ही इसके फ्रंट में आपको स्नैप बटन्स देखने को मिलते हैं जो कि ब्लैक कलर के अंदर ही हैं जो जैकेट को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कफ्स एंड हेम्स की तो वहाँ पे रिबिंग की गई है जो कि आपको देखने को मिलती है ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन इसके कफ्स एंड हेम्स में भी देखने को मिलता है तो इसको जैकेट से मैचिंग बनाता है और काफ़ी स्टाइलिश बनाता है। अगर हम बैक में बात करें तो आपको कोई भी डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता। जो आगे लेटर का डिज़ाइन किया गया है, जो कलर्स का यूज़ किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इस ब्लैक कलर के साथ। भाई दोस्तों इस जैकेट के स्लीव्स की बात करें तो इसमें पैडेड मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है जो कि आपको H&M की जैकेट के अंदर देखने को मिलता है जो से थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव लुक देता है, लेकिन इस जैकेट में उस मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें आपको पूरा पॉलिएस्टर का यूज़ देखने को मिलता है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड आपको पॉलिएस्टर देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी फीलिंग की गई है पॉलिएस्टर की। इसमें थिकनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। विंटर्स में आपके लिए जैकेट काफ़ी अच्छा काम करेगी, आपको ठंड नहीं लगने देगी, क्योंकि जब मैंने इसे कैरी किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आज काफ़ी विंटर है उसके बावजूद भी ठंड को इसने काफ़ी हद तक रोका है। तो ये जैकेट काफ़ी कमाल कर सकती है विंटर्स के लिए। अगर आप एक थिक जैकेट लेने की सोच रहे हैं तो ये जो जैकेट है वार्सिटी जैकेट ज़ारा की, ये काफ़ी अच्छी हो सकती है आपके लिए। इस जैकेट में आपको दो पॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इनसाइड से, इसका जो क्लोदिंग है काफ़ी सॉफ्ट है, आपको काफ़ी सॉफ्टनेस फील आएगी जब आप इसे कैरी करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लुक वाइज बात करूँ तो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया गया है काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोस्तों ये जैकेट एक कॉलर वार्सिटी जैकेट होने की वजह से काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी ट्रेंडी है और ये जाता नहीं है। ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है अक्सर हमेशा आपको देखने को ही मिलेगा। इस जैकेट के कॉस्ट की बात करते हैं तो अराउंड 7600 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि ये थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको अभी ट्रेंडी जो चल रहा है वो मार्केट के अंदर वो चाहिए और साथ ही साथ आपको स्टाइलिश भी दिखना है तो ये जैकेट आपके लिए हो सकती है। साथ ही साथ आपको विंटर्स में काफ़ी अच्छा वार्म देगी, तो यहाँ पे आप अगर 7600 खर्च करना चाहते हैं किसी भी जैकेट में और आप अभी
लेटेस्ट ट्रेंड को ढूंढ रहे हैं तो इस जैकेट के लिए आप जा सकते हैं। दोस्तों एक काफ़ी अच्छी जैकेट है, हालांकि आप पहले अपना साइज चेक कर लीजिए उसके बाद ही इस जैकेट के लिए जाइए, अदरवाइज ये बड़ी भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है, तो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग इस जैकेट के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जैकेट काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी कॉस्टली है H&M की जैकेट से, लेकिन वर्थ इट है क्योंकि H&M की जैकेट इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं देती है। तो अगर आप इस जैकेट के लिए जाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वही दोस्तों जो सेकंड जैकेट है वो है ज़ारा की फॉक्सोडेट जैकेट, जो कि आपको लेदरी लुक देती है, लेकिन ये लेदर नहीं है, बेसिकली ये एक पॉलिस्टर जैकेट है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी आपको एक क्लासी लुक देती है। अगर आपने लेदर जैकेट को देखा है तो उसमें स्टिचिंग की गई है, वैसी डिटेलिंग इस जैकेट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो इसे और मैनली लुक देती है और माचो लुक देती है और आपको एक लेदरी फील देती है। वहीं दोस्तों मैं बात करूं ये कॉलर के साथ आती है, साथ ही साथ आपको इसमें फ्रंट में स्नैप बटन्स देखने को मिलते हैं जो इसे काफ़ी क्लासिक जैकेट बनाते हैं। साथ आपको इस जैकेट के कफ्स में यहाँ पे बटन क्लोजर देखने को मिलता है जो इसे काफ़ी क्लासी लुक देता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें जो स्टिचिंग की गई है काफ़ी डिटेलिंग से की गई है, काफ़ी अच्छी लगती है इस जैकेट के अंदर, जैसा कि एक लेदर जैकेट के अंदर स्टिचिंग की जाती है उसी टाइप की देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इस जैकेट के मटेरियल की तो इसमें पॉलिस्टर का यूज़ किया गया है 100% इनसाइड एंड आउटसाइड, लेकिन जो इसकी थिकनेस है वो मीडियम है, जैसा कि आपको एक लेदर जैकेट के अंदर देखने को मिलता है। थिकनेस मीडियम होने की वजह से आप इसे माइल्ड विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रीम विंटर्स के लिए जैकेट नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात करें लेदर की जो जैकेट होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, और ये जो जैकेट है वो आपको अराउंड 5000 के आसपास देखने को मिल जाती है। अगर लुक वाइज बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लुक देती है जीन्स के साथ, जब आप इसे कैजुअल लुक में कैरी करते हैं तो काफ़ी क्लासी लुक देती है, काफ़ी मैनली लुक देती है, और जबकि लेदर की जैकेट नहीं है उसके बावजूद भी आपको काफ़ी मैनली लुक देती है। इसमें आपको लेटरल साइड में पॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसी जैकेट ढूंढ रहे हैं जो लेदर लुक आपको दे लेकिन वो लेदर से ना बनी हो, तो इस जैकेट के लिए आप जा सकते हैं। ये फॉक्सोडेट जैकेट है जो कि आपको काफ़ी अच्छा लेदर लुक देती है। अगर आप इस जैकेट के लिए जाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारी दो ज़ारा की जैकेट्स जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं और दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं ज़ारा के अंदर, और साथ ही साथ जो लोग ज़ारा को पसंद करते हैं दोस्तों दोनों ही वैसे काफ़ी अच्छी जैकेट्स हैं, आप इन्हें विंटर में कैरी कर सकते हैं। हालांकि एक मिड विंटर के लिए है और एक है अभी जो विंटर चल रहा है उसके लिए, तो दोनों ही जैकेट्स काफ़ी अच्छी हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना ना भूलें। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।